वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब आज का टॉपिक बहुत मजे का, लेकिन उससे मजेदार हमारी मेहमान है। और जब भी आती है हमारे सेट में रौनक आ जाती है और हम मजे से डिस्कशन कर रहे होते हैं, फिर हमें एकदम से काम में आ जाती है, आने लगे प्लीज स्टैंड बाय हो जाए। तो जनाब हमारी दोनों मेहमानों में ज्वाइन कर चुकी है। मैं बात कर रही थी आमिना मलिक की। और आमिना कैसी हैं आप? जी अल्लाह के शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से। और उसके साथ साथ सबा शबीर शेख है हमारे साथ। वेलकम टू द शो डॉक्टर सबा, कैसी हैं आप? खैरियत गुड। जनाब हमारे पास ये दोनों मेहमान आ चुके हैं, टॉपिक बता दें, थोड़ा गुस्सा वाला टॉपिक है। बहुत सारे लोग नाराज भी होने वाले हैं, बहुत सारे लोग खुश भी होने वाले हैं, लेकिन हम थोड़ा बैलेंस, हमेशा की तरह हम कहते हैं बैलेंस लेकर चलेंगे। आज हम बात करेंगे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में और जो लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, क्या पर्क्स हैं, क्या इसके नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम लाइव कॉल्स भी लेने वाले हैं, तो लाइव कॉल्स के जरिए हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानेंगे। आपको क्या लगता है कि आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में ज़्यादा एक अच्छी चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफ ऑब्जर्व कर सकते हैं, या इंडिविजुअल जो आप रहते हैं या इंडिपेंडेंट आप रहते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहता है? तो दोनों को लेकर चलेंगे। सबसे पहले तो आमना आपकी जाने बात है। जी जी, क्या आप कहने वाली हैं आज आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम और इंडिपेंडेंट रहने के? जॉइंट फैमिली सिस्टम, क्योंकि हम भी एक हद तक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहें, तो मैं इसको स्टार्ट यहाँ से करूँगी कि आज जो जॉइंट फैमिली सिस्टम और ये जो लड़कियाँ हैं इनकी जो डिमांड है कि हमें अलहदा कर दिया जाए, इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो इकॉनमी है। और मैं आपको बताऊं कि हम तालीम तो दे रहे हैं अपने बच्चों को, ढेर सारी दे रहे हैं, और यकीन करें मैंने अपनी फ्रेंड्स को और मदर्स को पिटते देखा है। बच्चे अच्छे मार्क्स में भी आ गए हैं, डिप्रेशन का शिकार है, बच्चों को बता रही हैं तालीम तालीम, तरबियत कहीं भी नहीं। पहले माँ बाप तरबियत करते तो थे, लेकिन मैं आपको सच बात बताऊँ, उसमें चचा ताया फुफ्फो जो भी फैमिली का बड़ा होता था वो भी तरबियत आपको डर होता था, एक खौफ होता था गलत काम करने का, झूठ बोलने का। बिलीव कीजिए कि ऐसा सिस्टम होता था कि हमें अगर हमने बचपन में कुछ शरारत की या झूठ बोला तो हमें चचा से ज़्यादा, अब्बू से ज़्यादा ताए का डर या चचा का डर। ये एक बड़ी खूबसूरत सी एक फ्लावर फैमिली होती थी जिसके अंदर दुख सुख सांझे होते थे। फिर हमने बच्चों को बहुत ज़्यादा तालीम देना शुरू कर दी और हमने तरबियत से हाथ उठा लिया। हमने कहा मार्क्स लोगे तरबियत जाए बाहर में। फिर वो बच्चियाँ जो हैं वो उन्होंने बोला कि हमें मतलब देखा देखी कि एक फैमिली अलहदा हुई है तो जी हमारे मिजाज नहीं मिलते। देखिए मिजाज की बात नहीं होती, आज आपके बच्चों की तरबियत में आज आप डरते हैं वो गेट तक ना चले जाएं, आज वो डरते हैं जो बच्चियों की हरासमेंट हो रही है, जो बच्चियों के साथ और बच्चों के साथ इतना कुछ हो रहा है। दादी बैठी होती हैं, नानी बैठी होती हैं, ताई अम्मा बैठी होती हैं, वो बच्चों पे निगाह रखती हैं बच्चा किधर जा रहा है। तो हमने तो यूरोप में होता था ओल्ड हाउस का सिस्टम ही नहीं होना चाहिए हमारे, तो हमारा तो हर डे फादर डे है, हर डे मदर डे है। हमने यूरोप की तकलीद में अपने सेंटर्स को, हमारे भी यहाँ ओल्ड हाउसेज हैं जी, फाउंटेन हाउस चले जाएं, इधर चले जाएं, वहाँ पर भी बने। अब दूसरी साइड फैक्टर आता है इकोनॉमी। जब आपकी जेब इजाज़त नहीं देती थी उस दौर में, आपको पता ही नहीं होता था घर में जो खाना बन रहा है उसने पार्टिसिपेट किया कि नहीं, आज तुम बना लो, एक ही किचन होता था, एक ही खाना पीना। अब ये हो गया, महंगाई का तनासुब इस तरह बढ़ रहा है कि रमज़ान में जो आए दिन इफ्तारियाँ और डिनर्स और घर में चले अगर अलहदा हो भी गए वीकेंड पर मिलेंगे, जब आपकी पहुंच से ही सब कुछ दूर होगा तो कोई बहन भाई या रिश्तेदार कैसे आएगा। तो ये तो एक बहुत बड़ा फैक्टर आ गया। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझती हूँ अगर बच्चियाँ समझती हैं कि वो आजकल की पढ़ी लिखी हैं, मॉड हैं, वो समझती हैं वो पुराने लोगों के साथ नहीं चल सकती, तो मेरी एक बात याद रख लीजिएगा, हर चीज़ को लौट के अपने असल की तरफ आना है, ये कुरान कहता है, हर चीज़ को लौट के अपने असल की तरफ आना है। हम भी देखें अब केमिकल से निकल के नेचुरल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, पहले हमने भरमार की केमिकल्स की, अब हमें लगता है ऑर्गेनिक ढूंढ रहे हैं, अब हम ऑर्गेनिक जिसको देखो ऑर्गेनिक हनी, ऑर्गेनिक मेकअप, ऑर्गेनिक फ्लां, तो फूड भी उनको ऑर्गेनिक चाहिए, ऑर्गेनिक अब तो रेसिपीज में भी ऑर्गेनिक बताया जाता है, तो ये भी जाएंगे पलट के, इनको भी पता चलेगा हमारा असल क्या है। दूसरा कि मदर्स जो हैं जो अपनी बेटियों को पहले सिखाती थी, ये कोई जुल्म नहीं होता, मेरा जाती तजुर्बा है, आप अच्छा बोलेंगे आपको अच्छा मिल जाएगा। ये डॉक्टर साहब चूँकि हम बात कर रहे थे कि अभी जॉइंट और जो एक कहने इंडिपेंडेंट रहने की ख्वाहिश है आजकल जनरेशन में बहुत ज़्यादा है, मैं ख़ुद भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में थोड़ा सा रही अपनी नानी के घर, और मुझे पता है कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इंजॉय की हैं जो आजकल के बच्चे इंजॉय नहीं करते। मैं ये कहूँगी कि दोनों चीज़ों के अपने फ़ायदे हैं, मतलब हम ये नहीं कह सकते, ये बिल्कुल एक गलत सोच है जिसमें आजकल के मुआशरे की लड़कियाँ कहती हैं कि हमने जॉइंट फैमिली में नहीं लेना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसके इतने बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप सपोज मतलब इंडिपेंडेंट होकर सारा बोझ आपके ऊपर आ जाता है, सारा बर्डन आपको, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे आती हैं, जबकि फॉरेन से शादी करके हम इतने अच्छे एक्टिव नहीं होते, इतने अच्छे रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। और मैंने देखा है वहीं से हस्बैंड वाइफ में क्लैश भी आता है, क्योंकि हस्बैंड की सारी एक्सपेक्टेशन ट्रांसफ़र हो जाती है वाइफ की तरफ, क्योंकि इंडिपेंडेंट रह रहे हैं।
और वाइफ का खुद का जहन, मतलब लड़कियां ऐसे करती हैं शादी से पहले ही लड़के का जहन बनाना शुरू कर देती हैं कि मुझे तुमने अकेले रखना है। अब वो ये सोच रहा होता है कि ये सारा कुछ सीख कर आ रही है जो ये डिमांड कर रही है कि अकेले रहना है। सो आई वुड प्रेफर कि हमारा जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, ठीक है उसके भी कुछ नुकसान आते हैं, वो वहाँ पर आते हैं जब बच्चों की तरबियत की बात होती है, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में हर किसी की अपनी नेचर है, इनपुट होती है, हाँ, बच्चे अपनी पर्सनालिटी है। अब जैसे चचा, ताया, पुपो, खाला, मतलब पुपो, ये सब अपने मुताबिक ट्रेन करेंगे ना अपने बच्चे की। हमें पता है हमने तरबियत कैसे करनी है, कौन सी चीज़ हमने उसको खिलानी है, कौन सी नहीं खिलानी। तो यहाँ पे मुझे लगता है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम थोड़ा सा खराबी करता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि मैं वैसे भी देखती हूँ कपल काउंसलिंग सेशंस भी, बहुत सारे कपल्स मेरे पास आते हैं, तो जिनके पेरेंट्स इन लॉ नहीं हैं, मतलब जिन औरतों के साथ उनके ससुराल वाले नहीं रहते हैं, उनके हस्बैंड वाइफ में क्लैशेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उनकी आपस में एक दूसरे के साथ एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और वो जब पूरी नहीं कर पाते तो वहाँ से मसले होते हैं। बच्चे तो हर घर में हो रहे होते हैं, लेकिन फिर वहीं से बच्चों की वो भी तरबियत ख़राब होती है। सो मेरा ख्याल है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के ज़्यादा फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिपेंडेंट फैमिली सिस्टम। और हमें जो हमारी एक मुआशरे में एक लड़कियों का माइंड सेट है, जो कि घर से ही मेरा हाल हो रहा होता है, आजकल देखा जाए तो अक्सर माएँ भी रिश्ते वालियों को कहती हैं बहुत बड़ी फैमिली ना दिखाना, लड़का अकेला अकेला हो तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, जबकि मुझे लगता है उसके ज़्यादा नुकसान आता है। वो अकेला लड़का कभी भी छोड़ के लड़की को जा सकता है। हाँ, को पूछने वाला हो, पूछने वाला होना चाहिए, एग्जैक्टली सारा मामला। अच्छा, अभी हम बात करते हैं वर्किंग वुमेन, क्योंकि अब हम मॉडर्नाइजेशन और ये सारी चीज़ों को बीच में डेफिनेटली लेकर आएंगे। पहले हमारे जो फैमिली सिस्टम थे, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि सब खवातीन घर पर होती थी, जैसे आप कह रही हैं सब ने चेक इन बैलेंस रखना है, ताई है, मामी है, सब घर पर एक एक एक्ट पे नजर होती थी। अच्छा, ये स्कूल से आई है, इसने ये किया, मतलब वो सारा एक मामला चलता था। लेकिन अब चूंकि हर खातून घर में कुछ वर्किंग वेमेन भी हैं, कुछ नहीं तो वो डिफरेंट चीजें वर्किंग वेमेन हैं, तो उनके लिए, उस वर्किंग वेमेन के लिए कितना मुश्किल हो जाता है कि अगर एक सिस्टम है, क्योंकि डेफिनेटली फिर काम से आना है, घर को भी देखना है। मैं बताती हूँ आपको कि उसके लिए क्या सिस्टम है। ये पुप्पो, दो अदद नंदे, एक अदद सास, एक अदद खाला सास, जो दोपहर को सब्जी लेके आ जाती है और कहती है मैं घर छोड़ आई हूँ, बहू बना रही है और बातें करें, ये आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट बैरियर। अच्छा, मैं भी पुप्पो और मैं भी नंदू। अच्छा, आगे पढ़ें। बैरियर्स इस तरह हैं कि आप अकेले रह रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपका बच्चा किस कमरे में क्या कर रहा है। आप जॉब पे जा रही हैं, कितनी खूबसूरत बात है। मेरी सिस्टर जब जॉब करती थी, उनको शौक था कि मैंने इतना पढ़ा है तो मैं क्यों शादी के बाद, क्योंकि वो पुप्पो का ज्वाइंट सिस्टम था, वो अपना बेबी अगर अपनी नंद को देखे जाती हैं तो माशाल्लाह वो बड़ी मोहब्बत के साथ, पुप्पो तो मोहब्बत ही करती हैं। अब ये माँ पे डिपेंड करता है वो बच्चे को क्या सिखाती है, वो नफरत करना सिखाती है कि मोहब्बत करना सिखाती है। माँ सुने, कमजोरियाँ हर इंसान में होती हैं, हम किसी की कमजोरी को निशानदेही करने से पहले ये नहीं बता सकते कि इसकी अच्छाई क्या है। एक्सक्यूज मी, उससे ये फर्क पड़ता है कि आप जब बता रहे होते हैं कि पुप्पो आ रही है तुम्हारी साइड पे हो जाए, हम ये भी बता सकते हैं कोई बात नहीं, आपकी पुप्पो हैं, बड़ी हैं, आपने एहतराम करना है। बदकिस्मती से मैं जब भी यहाँ पे बैठती हूँ, जिस भी प्रोग्राम में, मैं यही बोलती हूँ तरबियत की कमी है। बुराइयां बताने से पहले उनकी थोड़ी सी अच्छाइयां भी बता दीजिए। अच्छा, वो बैरियर्स हैं, वो अपने भतीजे को सुला भी रही हैं, अगर वो कॉलेज से आई है तो अच्छा ठीक है, भाभी घर आई हैं और देखें कितनी बड़ी बात है, वो घर को सपोर्ट कर रही है, वो अपने बच्चे का खर्च उठा रही है, अपना खर्च उठा रही है, वो बैग नहीं कर रही किसी के आगे, हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है। और मैंने देखा है कि स्कूल टीचर्स हों या किसी कंपनी में जॉब करी हूँ, वो मिल मिला के 6-7 साल बाद अपना अच्छा घर भी बना लेते हैं। मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करती हूँ, मैंने देखी भी ऐसे की। और अगर वो सिर्फ हस्बैंड का मुंह देख रही है कि आएगा पैसे देगा, मैंने औरत की इंडिपेंडेंसी, मैं कहती हूँ इतना खूबसूरत मैं कोट पढ़ रही थी कि आपको अ वुमन शुड बी इंडिपेंडेंट, उसके बैंक में करोड़ों रुपए सो भी रहे होने जरूर चाहिए। और मैं ये सोचती हूँ कि जो वर्किंग वुमेन होगी ना उसके मसले भी कम होंगे, बिल्कुल कम। जो घर में रहने वाली औरत होगी ना, शी हैज नो टाइम फॉर गॉसिपिंग, शी हैज नो टाइम फॉर, और जो उसके मुकाबले में जो बड़ी भाभी होती है जो किचन में हांडी बना रही होती है, उसको सारा पता होता है आज ये शॉपिंग करके आई है। फिर क्या है, आपको मैं तरीका भी बता देती हूँ, लोगों की नेचर से मोहब्बत करें, नफरत किसी चीज का हल नहीं है। आप सोचें इसके अंदर 10 बुराइयां मुझे बड़ी बुरी लगती हैं, 2 अच्छाइयां वो बुराइयों पे हावी हैं और वो मुझे बड़ी अच्छी, मैं आती हूँ मेरे बेबी को डॉक्टर के पास भी ले जाती है पीछे से, मेरा बच्चा बीमार है, मेरे स्कूल में बच्चों के एग्जाम है, मैं छुट्टी नहीं कर सकती। आप अगर अकेली रह रही हैं आप क्या करेंगी, आप कुछ भी नहीं। हमने एक तरीका निकाला, हमने तरीका ये निकाला
ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बुरा होता है, पुराना होता है, आज़ादी ख़त्म हो जाती है। कौन सी आज़ादी चाहिए हमें? हम किस सोसाइटी में हैं, हम किस माशरे में हैं? हम अपनी असल और बुनियादों पर मटियाँ डाल के अगर मगरिब की तलकीद करेंगे तो हम नहीं जा सकते आगे। हमें इसी चीज़ को लेके ग्रो करना है, फैमिलीज़ को ग्रो करना है। तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है अपनी बेटियों में बर्दाश्त का मादा जो है, हालांकि मैं समटाइम सोचती हूँ मेरे अंदर भी बहुत कम है, अगर मेरा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हो मैं हैप्पी बहुत हो जाती हूँ। मैं कितने लोग आए, मेरे रिश्तेदार आए, घर में कोई नहीं भी आते, आ जाए और मैं उनके लिए पकाऊं, सारा करूं, और जिसको जो चाहता है उसको नसीब नहीं होता, जिसको नसीब होता वो कहता है मैं भागूं। फितरत है इंसान की। अच्छा अभी आप कह रही थी, मैं एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करूंगी कि मैं चूंकि मेरे भी नेफ्यूज हैं तो हम यही बात कर रहे थे कि अभी देखो फूफो फूफो करते हैं सारा वक्त, मुझे कहते रहते हैं कि अच्छा ये चाहिए, जो चीज चाहिए फूफो से कहना। मैंने भाभी को सिखा, मैं भाभी कुछ जब ये बड़े हो जाएंगे इनको यही फूफो जहर लग रही होगी ना, ये फूफो है हमारी क्यों आ गई है। तो भाभी कहती है, उन्होंने भी मुझे यही बात की कि नहीं, ये बहुत डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन शुरू से कैसा है बच्चे के साथ। अगर मतलब मेरा और तुम्हारी, इवन मेरी अपनी बहन से ज्यादा अपनी भाभी से दोस्ती है बड़ी वाली से, तो मैं उसको कह रही हूँ, मैं इनको कह रही होती हूँ कि आपका जो मेरा रिलेशन, कहती है हमारा जो रिलेशन है इनको पता है कि माँ और जो फूफो इनकी दोस्ती है तो हम उसी तरह से लेकर चलेंगे। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि जब आप एक घर में रहते हैं तो इवन भाभी है, नंद है, फूफो है, जो भी है, तो वो जो हमने हवा बनाया ना रिलेशंस को, हमने चेहरे मस्क करने, हमने खूबसूरत बना के पेश करने। असल में मुझे लगता है हमारा मुआशरा भी एक पिन पॉइंट करता है, जैसे लड़की की शादी हो रही होती है तो उसको बताते हैं अच्छा नंद का ये रोल होता है, देवर का ये, जेठ का ये, सास का ये, वो उसी पैटर्न ऑलरेडी डिफाइन कर, एग्जैक्टली वो उसी माइंड सेट के साथ जाती है। हालांकि वो लोग बेचारे अच्छे भी हों, मैंने वैसे देखा है मोस्टली लोग अच्छे ही होते हैं, बुरे नहीं होते हैं, हमारी अपनी नेचर है, हमने उसके साथ एडजस्ट कैसे करना है। लोगों में फर्क है, लोग बुरे नहीं होते, लेकिन बात यह है कि जब लड़की इस माइंडसेट के साथ जाएगी तो वो तो ढूंढेगी ये चीज, पहले दिन से वो देख रही होती है अच्छा इन्होंने मुझे ये कह दिया, तो इसका मेरा ख्याल है कि जो सास कह रही होती है वो हमारी माएँ भी तो कुछ कुछ हमें ये चीज़ें कह रही होती हैं, मतलब पेरेंट्स में भी हम अपने घरों में भी ये चीज़ें देखते हैं। सो बेसिक बात यह कि ये कहना आसान है कि बर्दाश्त आ जाए, ये बहुत मुश्किल सा काम। हाँ मुश्किल है क्योंकि हमारे हर बंदा अपनी जंग आप लड़ा होता है, हर एक को अपनी होती है, लेकिन एट द एंड कुछ ना कुछ फैक्टर हमारे में भी है, वही बात कि हमें शुरू से वो चीज सिखाई नहीं। और दूसरा एक तो मैं ये कहूंगी कि जब ज्वाइंट फैमिली में हम रहते हैं तो सबको अपने अपनी चीजों को थोड़ा समझना चाहिए। ज्यादातर ज्वाइंट फैमिली में मसले ये होते हैं जब कोई दूसरा अपनी चीज एक बंदे पे इम्प्लीमेंट करता है, मतलब जो बड़े वाले सारे भाई हैं भाभी हैं वो छोटे वाले को इतना ज्यादा पिस ऑफ करें, हाँ कि तुमने अब ये करना है, या उसका दिमाग खराब करे कि ये तुम्हारी सास जो है ना हमें ऐसे ऐसे करती थी। मैं ये कहती हूँ कि अगर वो करते भी हैं तो लड़की को चाहिए कि वो खुद अपना एक्सपीरियंस करे। कॉलर आई है जनाब सना, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सना आपका? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। सना क्या कहना चाहेंगी, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम या इंडिपेंडेंट? मेरा ख्याल है कि उर्मिला दोनों तरफ नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं, फायदे भी हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि अक्सर पेरेंट्स में बच्चों की वजह से जो है वो लड़ाइयाँ होती हैं कि बच्चे 10 मिनट खेलने के बाद फिर दोबारा बच्चा आपस में, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है, बहुत अच्छा पॉइंट। मेरा तो ये ख्याल है कि अगर हम अलग से रहें तो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा सना, आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं अलग रहती हैं? और मेरे पहले हम लोग, मैं अपने देवर के साथ पहले रहती थी, अब हम लोग अलग हो गए हैं। तो अब आपको डिफरेंस फील हुआ है? हाँ बहुत ज्यादा। अच्छा पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सना। अभी हम ये बात करते हैं, नेक्स्ट कॉलर जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम समरा जी। समरा मैंने कहना था कि मैं पहले ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में थी, अब मैं अलग हो चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन किसी टाइम मुझे ना बहुत फील होता है कि मैं ना अकेली हो गई हूँ, बीमार हो जाऊँ तो कोई काम करने वाला नहीं होता, खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। लेकिन ज्वाइंट फैमिली सिस्टम ज्यादा बेटर है, बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए घर में। आपको बड़े जो होते हैं वो बच्चों को समझाते हैं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम ज्यादा बेटर हो, क्योंकि मेरे जो ससुराल वाले हैं वो सरगोधा में है, मैका लाहौर में ही है, तो फिर मुझे इसलिए फील होता है कि नहीं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम ज्यादा बेटर है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग समरा, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर जी मिसेस नवीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अपना क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है जी, थैंक यू सो मच।
और हम रौनक वाले एक बहुत शुक्रिया जीते रहे अपना ही प्रोग्राम घर का हो रहा है घर वाला माहौल है मिसेस जमीन क्या कहना चाहेंगी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम या इंडिपेंडेंट ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पहले ना होता था पहले होता था और अब आज के जितनी जिंदगी तेज हो गई है लाइफ हो गई है तेज बच्चे हैं स्टडी है इसलिए मेरे अंदाजे से अलग रहना ही बेहतर है बच्चों पे एक चीज आ जाती है डिसिप्लिन हो जाता है आजकल होना बहुत जरूरी है हर रिश्ते में होना बहुत क्योंकि पहले फैमिली इकट्ठी होती थी दादा दादी सारे होते थे अब ये कि बच्चे अब हर टेक्नोलॉजी ने तेज कर दी है बच्चों को तो इसलिए उनको संभालना सेट रखना बहुत जरूरी है इसलिए अलग रहना ही बेहतर है वो जैसे कहते हैं खिचड़ी पक जानी वो नहीं होनी चाहिए ठीक हो गया थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग नवीद बहुत शुक्रिया अच्छा जनाब पहली कॉलर थी हमारी सना वो कहती थी दोनों के फायदे हैं दूसरे ने कहा कि जनाब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में मिस करती हूँ और क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं फिर तीसरी ने कहा कि अलग रहना बेहतर है मिसेस नवीद ने तो मिले जुले तासर आपको सामने आ रहे हैं मैं ना इनसे एग्री इसलिए करूंगी थोड़ा सा कि आजकल जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं पहले होता था कि एक घर के अंदर मतलब ऑक्यूपाई हो जाते थे रूम्स अब बच्चों को एक रूम भी चाहिए कंबाइंड स्टडी के लिए भी चाहिए मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ गई हूँ इसलिए हम दोनों तरफ की साइड ले रहे हैं जिसको जो ठीक लगे लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ आप अलग रहें जैसे आपको लगे अपने अपने बच्चों की तरबियत के लिए कि ठीक है दूसरी जो आपकी ननद हैं देवरानी हैं जेठानी हैं अगर उनके बच्चे शाउट कर रहे हैं या आपको नहीं अच्छा लग रहा कि वो तरबियत ठीक नहीं करी तो आप अलग हो गए आप अफोर्ड कर सकते हैं आप अलग हो गए आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें बहुत अच्छी बात है सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट ये है अलग रहें साथ रहें बच्चों को उनका जिनको छोड़ के आए एहतराम से मैं ये कहूँगी कि इंडिपेंडेंट वाला जैसे मैंने पहले भी बात किया है बच्चों पे बहुत इम्पैक्ट्स आते हैं क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे बच्चों की वो तरबियत नहीं कर सकता जैसे कि एक बच्चे की होनी चाहिए इस वक्त बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ जॉइंट फैमिली सिस्टम से जैसे यहाँ तक मैंने देखा है एक फैमिली का बच्चा स्कूल नहीं जाता तो दूसरा भी रोने लग जाता है कि मैंने नहीं जाना तो देखें ये बहुत छोटी सी मिसाल है उसके साथ साथ फिर मतलब माँ अपने बच्चे को जो खिलाना चाह रही होती है जो चीज़ें सिखाना चाह रही होती है जो एक माहौल में एक पॉजिटिविटी जो बच्चे के लिए चीज़ें होनी चाहिए लेकिन बच्चा वैसे फोकस नहीं करता क्योंकि वो दूसरे बच्चे को देखता है कि जैसे वो करेगा थैंक यू वेरी मच आमना थैंक यू वेरी मच सबा बहुत शुक्रिया आप दोनों का जनाब अब आज हमने बैलेंस रख के डिस्कशन किया ताकि कोई ऑफेंड ना हो और किसी को बुरा ना लगे कि हम इस पॉइंट को जो है इनकरेज करें और डेफिनेटली प्यार बांटे चाहे आप इंडिपेंडेंट रह रहे हैं चाहे आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे मैं न्यूट्रिशंस भी ज्वाइन करेंगे आप देखते रहिए जागो लाहौर